हजारों और काम कर हजार मेरे लिए कर दें, आपके लिए कर दें। चले जी 49 का आपको ये मिलेगा। काम करना है इनको, मार्केट से तकरीबन 24,000 रेट मिला। कितना भाई रेट मिला? 24 पूरा मिला कि ऊपर नीचे कुछ हो रहा था? 24 ही मिला। ठीक हो गया। और एमएस कंप्यूटर पे 18,000 का हमने कर दिया। ये वैसे ही नहीं है, वाइट कुछ नहीं है, ठीक है। आरजीबी लाइट चलेंगी यहाँ पे, बड़ी खूबसूरत। ये 2080 एम्प एक्सट्रीम है, ठीक है। ये ग्राफिक कार्ड 24 GB का है, जो जिन लोगों का काम है ज्यादा, उनको वी रैम रिक्वायर्ड है, तो जनाब ये ग्राफिक गुड टू गो है। फैन के अंदर आप कहते हैं यार सिंगल फैन में जाए, डुअल फैन में ही जाना है, तो जनाब डुअल फैन वाली जिद भी पूरी कर देंगे लोगों की। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं आपका अपना आरजे भट्ट। आज आपको अगेन लेके आए हैं एमएस कंप्यूटर पे, ग्राफिक कार्ड हाई बजट में आपको टोटल रेंज दिखाएंगे। मोहसिन भाई हैं, आपको डिस्काउंट भी देंगे और पूरी इनके पास इन्फॉर्मेशन मौजूद है, वो अपनी वीडियो में शामिल करेंगे। वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने प्यारों को शेयर करें। मेरे साथ कंटिन्यू रहे, मोहसिन भाई से इन्फॉर्मेशन लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मोहसिन भाई तभी से ठीक है? बिल्कुल, अल्लाह का करम जनाब। सर जी ये इतना मेला लगाया हुआ आपने ग्राफिक आर्ट्स का, हाई बजट में जो पड़े हुए हैं जी, तो आज हमारे व्यूअर्स के लिए कौन कौन से जो मैसेज आ रहे हैं और कौन कौन से पैकेजेस आ रहे हैं? असल में ना थोड़े बजट ग्राफिक्स कार्ड से हटके भी ना थोड़ा सा ना होना चाहिए कि लोग कहते हैं कि यार हम ना जरा हाई एंड पीसी बनवाना चाहते हैं, जिनका कोई 2.5 लाख 2 लाख से 2.5 लाख 3 लाख 4 लाख यहाँ तक 5-6 लाख रुपए का बजट भी होता है, वो भी पूछते हैं हमसे कि उसकी भी सारी एक्सेसरीज मौजूद है हमारी शॉप में। अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी एक्सेसरीज है, ग्राफिक्स कार्ड मेन प्रोडक्ट होती है। बाकी प्रोसेसर की बात करें i9 तक जनाब हमारे पास 13-14 जनरेशन में इंशाल्लाह हमारे पास अवेलेबल होंगे। राइजन के अंदर प्रोसेसर अवेलेबल होंगे, कुछ और भी इंशाल्लाह जल्द आ जाएंगे। ठीक हो गया। सारी की सारी चीजें, हमारा रैम भी अवेलेबल है। कहीं से पकड़ तकड़ वाला काम तो नहीं है? नहीं, ये अवेलेबल है। हो गया जी, बैक साइड पे देख सकते हैं माशाल्लाह जी काफी जो है क्वांटिटी पड़ी हुई है एक्सेसरीज की और रैम्स की और ग्राफिक कार्ड, तो माशाल्लाह जी पूरी शॉप भरी हुई है। जबरदस्त और रैम भी पड़ी हुई है, सब कुछ। और मोहसिन भाई DDR4 DDR3 डन हो गया। मोहसिन भाई आज हमारे व्यूअर्स के लिए कौन कौन से पैकेजेस हाई बजट में लेके आए हैं ग्राफिक कार्ड में, वो बताइए। जनाब हम लोग आज स्टार्ट करते हैं थोड़े से 50,000 से ऊपर वाले ग्राफिक, 50,000 से लेके 5-5.5 लाख तक के ग्राफिक्स कार्ड अवेलेबल है, बल्कि थोड़ा उससे ऊपर भी ग्राफिक कार्ड अवेलेबल है। ठीक हो गया। हम 4090 जैसे देख सकते हैं, 4090 जनाब हमारे पास फुल स्टॉक के अंदर अवेलेबल है। इंशाल्लाह इस पे भी आते हैं, बाद में आते हैं इस पे बाद में आएंगे। और इस पे 4090 MSA के अंदर भी पड़ा हुआ है, इस पे इंशाल्लाह बाद में आते हैं। ठीक है। तो हम कम बजट से स्टार्ट करते करते हाई बजट पे जाएंगे। ठीक हो गया सर, डन हो गया सर, डन हो गया। ठीक है जी, तो अल्लाह का नाम लेके स्टार्ट करते हैं जनाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब हमारे पास सबसे पहले 1660 सुपर ग्राफिक्स कार्ड, वैसे वेरी फेमस ग्राफिक्स कार्ड, जिनको जनाब का बजट है ना तकरीबन 1,20,000 तक का बजट है, वो एडिटिंग और गेमिंग का पीसी रेडी करवाना चाहते हैं, वो भी एक बजट पीसी आजकल, ठीक है ना। 1 लाख से नीचे नीचे, 1,50,000 से नीचे नीचे का 1660 सुपर इज द बेस्ट चॉइस मेरे हिसाब से। ठीक है जी, ये काफी फेमस ग्राफिक्स कार्ड है इस वक्त पाकिस्तान का, वेरी फेमस ग्राफिक्स ये वाला। हाँ जी 1660 सुपर, इसमें कोई और भी आ सकता है, 1660 Ti भी आ सकता है, वो भी मैं दिखा सकता हूँ। नदीम भाई ये जरा डब्बा दिखाएं। और मोहसिन भाई इसकी जो प्राइस की बात करेंगे हम अपने व्यूअर्स के लिए, प्राइस के लिए वैसे तो हम यहाँ पे 51,000 का चला रहे हैं, और हमारे लिए 50,000 में आपको मिल जाएगा। 50,000 50,000 में जनाब, सर हजार और कम कर दें, हजार और कम कर दें, हजार मेरे लिए कर दें, आपके लिए कर दें। चले जी 49 का आपको ये मिलेगा, आपने आगे चैनल का रेफरेंस जरूर बताना है और आपको इंशाल्लाह 49 का मिलेगा। ये 52,000 का विद बॉक्स है, ये आपके रेफरेंस से आएगा, उसको हम 50,000 में देंगे। जबरदस्त बॉक्स समेत, बॉक्स समेत जी, ये बॉक्स समेत है, ठीक है। 1660 सुपर नहीं है, 1660 Ti है, थोड़ा सा उससे 2-3% 4% ऊपर ही होता है। और ये मोहसिन भाई मार्केट में क्या रेट जा रहा है इस टाइम? तकरीबन 52,000 जा रहा है ना। अच्छा, जो 52,000 हम आपके रेफरेंस इंशाल्लाह 50,000 में देंगे विद बॉक्स, 10x10 कंडीशन है, आपको मैंने इसकी कंडीशन दिखाई भी थी। ठीक हो गया, पहले आपने इसकी कंडीशन, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही ऐसे ही। अगर हम सारे ग्राफिक्स कार्ड की कंडीशन दिखाते हैं वो बहुत ज्यादा बहुत लंबा टाइम चला जाएगा। जबरदस्त हो गया, डन हो गया। इसके अलावा बजट ग्राफिक्स कार्ड है उसके लिए हम अलग रब्ता करें, आज थोड़ा सा हाई बजट हाई लेवल पे चीज करेंगे हम लोग। ठीक हो गया। उसके बाद 3050 ग्राफिक्स कार्ड 8 GB वाला है, सिंगल फैन के अंदर है, बड़ा फैन है इसके अंदर, सिंगल फैन है। तकरीबन ये ग्राफिक्स कार्ड जो है ना 55,000 तक का मिलेगा, ठीक है। बिल्ड के अंदर थोड़ा सा और कम कर दें, वैसे हम ये ग्राफ 58,000 का बेच रहे हैं। 58 का आपके रेफरेंस से आएगा ग्राफ, बंदा जो आएगा उसको 55,000 का ये ग्राफिक्स कार्ड देंगे। डन हो गया। इसकी कंडीशन मोहसिन भाई थोड़ी सी दिखा दीजिएगा हमारे व्यूअर्स को, ये देखिए चेक करें, बिल्कुल एक्सीलेंट कंडीशन है ग्राफिक्स कार्ड, 10x10 कंडीशन में है जी, एक्सीलेंट फैन, ठीक है, बड़ा हीट सिंक है, एक्सीलेंट बड़ा हीट सिंक है ना। हाँ जी, कुछ लोग कहते हैं सिंगल फैन का नहीं, बिल्कुल टेम्प ऊपर नहीं जाएंगे, ठीक है, ऐसी जरूरत नहीं है, डुअल फैन में जरूरत बिल्कुल नहीं है, ऐसी कोई ऐसी बात नहीं है, सेम बात ही है जनाब, ठीक है। उसका हीट सिंक थोड़ा बड़ा कर दिया है और ये ग्राफिक्स का कम पावर वाला, इसलिए हीटर भी कम होता है जनाब। इसका 60s के अंदर इंशाल्लाह टेम्परेचर रहेगा। जबरदस्त, इस सिंगल फैन के साथ आपको तसल्ली करवा के चेक करवा के देंगे मोहसिन भाई। जी जी, डन हो गया। उसके बाद ये भी सेम ग्राफिक्स कार्ड है, ये डुअल फैन के अंदर आया, कहते हैं यार सिंगल फैन में जाए, डुअल फैन में ही जाना है, तो जनाब डुअल फैन वाली जिद भी पूरी कर देंगे लोगों की, ठीक है। ये 60 में आया, ये 58,000 का मिल जाएगा। मोहसिन भाई बहुत प्यारा कार्ड है, बहुत प्यारा ग्राफिक्स कार्ड है, ओरिजिनल सील भी चेक कर सकते हैं, लगी हुई है, ठीक है जी।
ये इसकी कंडीशन भी देख सकते हैं, RTX 3050, ये भी 3050 8GB वाला ग्राफिक्स और इसकी प्राइस की जो बता रहे थे मैंने कार्ड दिया के बाद तकरीबन को 60,000 है, आपके रेफरेंस से आएगा तो इंशाल्लाह 57,000 2000 डिस्काउंट मिलेगा। जबरदस्त हो गया, जबरदस्त हो गया। और इसमें हमारे पास पीस क्वांटिटी पड़ी हुई है? नहीं, इसकी आता ही नहीं ग्राफिक्स कार्ड, ये बहुत रेयर ग्राफिक्स कार्ड है, 3050 ना रेयर ग्राफिक्स कार्ड है। लोग अच्छा। कहते हैं कि 3000 सीरीज में भी जाना और कम पैसों में जाना है तो 3050 से अच्छी ऑप्शन ऑफ कोर्स कोई नहीं है। ठीक हो गया। थोड़ा सा 1650 से ऊपर जाना, 1660 सुपर या 1660 टीए से थोड़ा सा ऊपर जाना चाहते हैं ना सर, जी। उसके लिए आरटीएक्स भी लेना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छी ऑप्शन, बेस्ट है, बहुत अच्छी ऑप्शन है। ठीक है, ठीक है जी। इससे थोड़ा सा ऊपर जाते हैं तो आरटीएक्स 2060 आता है, हालांकि 2000 सीरीज वाला ग्राफिक्स कार्ड है तो थोड़ा सा ऊपर आ जाता है। ठीक है ना, ये ग्राफिक्स कार्ड भी देख सकते हैं, ये जनाब 60,000-62,000 का सेल हो रहा है। ये जरा गेमिंग एडिशन एक्स एडिशन है, इधर प्रीमियम एडिशन होता है। ठीक है, ठीक है जी। तो ये ग्राफिक्स का ओरिजिनल सील भी लगी है, चेक कर सकते हैं। ठीक है जी, ओरिजिनल सील भी लगी, 10x10 कंडीशन है, आरजीबी लाइट्स भी बहुत खूबसूरत इस तरह लगी। ये मुझे वैसे ही बड़ा प्यारा लग रहा है, ये बहुत प्यारा ग्राफिक्स कार्ड है। ये जनाब आपके रेफरेंस कोई आएगा उसको 50-60,000 में हम सेल करते हैं यहाँ पे। ठीक है, जो हमारा यहाँ तक के कुछ शॉपकीपर्स को भी इतने रेट में जाता है, तो आपके रेफरेंस को 58,000 में उसको हम दे देंगे, 58 में मिल जाएगा, 58,000 रुपए में फाइनल मिल जाएगा उसको। ठीक हो गया मौसम भाई, ये कस्टमर आ गए, उनको आप डील कर लें तो मैं आपसे मिलता हूँ। सर जी एक सेकंड, नहीं ये बताएं कि भाई को आपने कार्ड दिया कौन सा दिया? अभी जो ग्राफिक्स कार्ड दिया जी, जी भाई को दिया, जो ये मैंने ग्राफिक्स कार्ड दिया है भाई को, ये भी इंशाल्लाह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, इनको समझे डिस्काउंट पहले से दे दिया मैंने। अच्छा, ये है जी क्वाड्रो का जनाब M2000 4GB 128 bit, ठीक है, DDR5 चैनल ग्राफिक्स कार्ड है। इन्होंने एडिटिंग का काम करना है, इनको मार्केट से तकरीबन 24,000 रेट मिला, कितना भाई रेट मिला है? 24 पूरा मिला है कि ऊपर नीचे कुछ हो रहा था? 24 ही मिला। ठीक हो गया। और MS कंप्यूटर पे 18,000 का हमने ग्राफिक्स कार्ड दिया, अभी भी ये ग्राफिक्स कार्ड 20,000 में सेल हो रहा है। ठीक है, ठीक है, मिनिमम भी कहीं पे सेल होगा तो हमने 18,000 में दिया। ठीक है जी, ठीक है, लेकिन ये इंशाल्लाह ताला चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। ठीक है, ठीक हो गया, ऐसा ही है। आरजे बट ऑफिशियल चैनल का नाम है, इनके चैनल को हमने सब्सक्राइब करना है, और वहाँ पे ये नहीं कि हमने कोई एडवर्टीजमेंट के लिए कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, ये तो ये हम अपने कस्टमर की फीडबैक दे रहे हैं। सुनाए, आप आए MS कंप्यूटर पे, कैसा रिस्पांस मिला आपको? अच्छा मिला, अच्छा मिला है। तो आपको पूरी मार्केट से क्या रेट मिल रहा था इस कार्ड का? 22-24 20 भी मिल रहा था? 20 मैंने कल के 2200 था। अच्छा, इस कंडीशन में आपको कहीं से कार्ड नहीं मिला? आपको चेक हो गया, तसल्ली हो गई, आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। और जाके जो है वो कमेंट भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। जी मोहसिन भाई, अपनी वीडियो की तरफ आगे चलते हैं सर। थैंक यू। कस्टमर माशाल्लाह जी, मोहसिन भाई अभी कस्टमर को आपने दिया है कार्ड, दिया है अल्लाह का शुक्र है। तो माशाल्लाह जी उसकी हमने जो है फीडबैक भी अपने कस्टमर्स को दिया है। तो ये माशाल्लाह जो इतने हाई में कार्ड जा रहे हैं मार्केट में, अब वो जो कह रहे थे कितने का कार्ड परचेज किया उन्होंने मार्केट से, मिल रहा है उनको रेट? उनको तकरीबन 24,000 का ग्राफिक्स कार्ड का रेट मिला, 24,000 का ग्राफिक्स कार्ड का, और मिनिमम भी कोई रेट मिला तो उनको 22,000 रेट उस ग्राफिक्स कार्ड का मिला। ठीक है, एक ग्राफिक्स कार्ड और का जिसका 20,000 रेट मिला, लेकिन वो पुराना मॉडल था उसका भी, वो ग्राफिक्स कार्ड अगर 20,000 का वहाँ से मिला ना, यहाँ पे हम 16,000-16,500 का वो सेल कर रहे थे, हमारे पास उसका सारा स्टॉक खत्म हो गया, वो लास्ट पीस रेट में थे ना। हाँ। तो फिर बड़ा टिकटों की तरह बिका, 4GB का ग्राफिक्स कार्ड था, 128GB, इतना जबरदस्त, जिन्होंने बजट में कम पैसों में एडिटिंग वगैरह का काम चलना है करना है तो उनके लिए तो ऐसे ऑफर है। हमारे आम व्यूअर्स के लिए भी हैं कि नहीं आपके पास? बिल्कुल ही व्यूअर्स हैं, आपके चैनल को सब्सक्राइब भी किया था उन्होंने तो समझे जी, जी। तो मतलब उसकी वजह से जनाब उनको हमने डिस्काउंट किया। ठीक है, तो हमने सिर्फ और सिर्फ आपके सामने 18,000 रुपीज का, माशाल्लाह जी, माशाल्लाह जबरदस्त हो गया। 20,000 का सेल कर रहे हैं, 19-20,000 का सेल कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन डिस्काउंट कर आपके वो जो ग्राफिक कार्ड था, और माशाल्लाह ये जो ग्राफिक कार्ड इधर अवेलेबल है इनकी कंडीशन मोहसिन भाई बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त, बिल्कुल जबरदस्त है। न्यू भी ग्राफिक कार्ड रखे हैं, उसके बारे में भी इंशाल्लाह हम आते हैं। चले जी, नेक्स्ट पे आते हैं, RTX 2060 जिस तरह ये भी था इसी तरह RTX 2060 हमारे पास सुपर एक और के अंदर अवेलेबल है। ठीक है, ये भी 8GB का ग्राफिक्स कार्ड, 2060 सुपर जो पहले वाला दिखा वो भी सारा 8GB वाला ग्राफिक्स कार्ड है, ये 2000 रुपए और कम है इससे, 2000 रुपए कम और है। बल्कि ये 65,000 का इंशाल्लाह ताला ग्राफिक्स कार्ड मिलेगा। सॉरी, ये 2060 था, माजरत वो 2060 सुपर 8GB वाला 256 bit वाला ग्राफिक्स कार्ड है, ये 65,000 रुपए का आपके रेफरेंस आएगा, 64 का मिलेगा, 64 का, 64 का। मोहसिन भाई बैक जरा थोड़ी देर, बैक देखिए आप, इसकी ओरिजिनल सील लगी MSA की। ठीक है, इसका मॉडल है MSA Ventus X2। ठीक है, Ventus X2 का स्टैंड फॉर 2 fans। ठीक है, दो फैंस है ना, इसका मतलब 2 fans। इसकी भी रनिंग काफी है मार्केट में, जी जी, बेहतरीन लेवल का ग्राफिक्स कार्ड है। ये भी जो पीसी बनवाना चाहते हैं तकरीबन कोई 1,30,000-35,000 का बजट है ना, उसके अंदर ग्राफिक्स बेस्ट है, आराम से एडजस्ट होता है ये ग्राफिक्स। ठीक हो गया, डन हो गया। थोड़ा सा और आगे जाते हैं, 2000 सीरीज के RTX 2070 हमारे पास एम्प एडिशन है,
ठीक है जनाब, ये भी हमारे पास ग्राफिक्स कार्ड अवेलेबल है जनाब, ये बेहतरीन लेवल का ट्रिपल फैन के अंदर ग्राफिक्स कार्ड है। ठीक है जी, ये ग्राफिक्स कार्ड आपको RTX 2070 एम्प एक्सट्रीम, सॉरी एम्प एक्सट्रीम वाला एडिशन है, जरा एम्प एडिशन आता है उसमें एम्प एक्सट्रीम आता है, जरा उसकी क्लॉक स्पीड अच्छी होती है, फैंस उसके अंदर बेहतर लगाते हैं, हीटसिंग जरा बेहतर लगाया जाता है ओवरऑल, इसलिए क्लॉकिंग स्पीड भी थोड़ी ऊपर करके थोड़ी परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी आती है इसकी। ठीक है, खूबसूरती में थोड़ा बेहतर होता है, लाइट्स भी यहाँ पे लगी होती हैं, बहुत खूबसूरत ग्राफिक्स कार्ड आप देख सकते हैं सर जी, बहुत बिल्कुल अच्छी साफ सुथरी कंडीशन में, रैप हमने खुद करके रखा है, इतनी ज्यादा कंडीशन आपको समझ नहीं आएगी, जब रैप उतरेगा तो आपको समझ आ जाएगी कितनी साफ कंडीशन है। और ये मौसम भाई इसकी प्राइस मार्केट में, प्राइस जो मार्केट में इस वक्त चल रही है ना, तकरीबन कोई इसकी 75 to 78,000 तक भी चल रही है। ठीक है, अवेलेबिलिटी पे डिपेंड कर रहा है, अलग अलग तो मोहब्बत अवेलेबल है, हम 74,000 में आपको देंगे, 74 में मिल जाएगा, 74 से भी कम में इसको हम आपको देंगे, बल्कि नहीं 74 में भी नहीं आपको देंगे, 70,000 मिल जाएगा, यानी कि मार्केट में इसका रेट जा रहा है 75 के राउंड बोर्ड में, 75 और 70,000 में आपको देंगे, डन हो गया। उसके बाद फिर एक और जबरदस्त चीज है, इसी कितना बीफ ग्राफिक्स कार्ड है, किसी बंदे पे लगे तो सर पे जोर से लगे तो बंदा ही ना बचे सर बहुत प्यारा कार्ड है बहुत, और यहाँ पे RGB लाइट्स यहाँ पे चलती है, वैसे ही नहीं है व्हाइट कुछ नहीं है, ठीक है, RGB लाइट्स चलेंगी यहाँ पे बड़ी खूबसूरत, ये 2080 एम्प एक्सट्रीम है, ठीक है, एक्सट्रीम एडिशन है, शौकीन बंदों का काम है जी, बिल्कुल शौकीन बंदों का काम है जनाब, ये जनाब 77,000 का मिलेगा, 77,000 का 980 का हम बेच रहे हैं, 77 का आपके व्यूअर्स को मिलेगा। ठीक हो गया मोहसिन भाई, इसकी कंडीशन थोड़ी बैक पे बिल्कुल देखें, बैक पे भी हमारे व्यूअर्स को दिखाएं जरा, इसके अंदर ये देखें, एक यहाँ देखें ना पावर बूस्ट, एक इसकी एक चिप स्पेशल लगाई है जो फर्दर इसको बूस्ट अप करती है। अच्छा, ये इसी एडिशन के अंदर आती है, अच्छा, ये रेयर एडिशन है, ठीक है, मिलता नहीं इतनी आसानी से, तो ये एक एडिशन आया, बहुत प्यारा कार्ड है, बहुत खूबसूरत ग्राफिक्स कार्ड है, डन हो गया मोहसिन भाई, अच्छा ग्राफिक्स कार्ड है, इंशाल्लाह जो यूज करेगा उसको पसंद आएगा ग्राफिक्स। आज हमारा जो वीडियो बनाने का मकसद था वो हाई बजट ग्राफिक कार्ड्स के ऊपर है, बहुत जबरदस्त कार्ड्स की जो है वो स्टॉक अवेलेबल है यहाँ पे, आप लोग आए विजिट करें, मोहसिन भाई से परचेजिंग करें, मोहसिन भाई का कॉन्टैक्ट नंबर हम वीडियो में जरूर शामिल करेंगे, और मोहसिन भाई इनमें और कौन सी हमारी डिटेल रह गई, थोड़ा सा आप इधर भी आ जाते हैं, ठीक है, भी आते हैं, हम सारे रखना पॉसिबल नहीं था ग्राफिक्स कार्ड, ठीक है, 3070 डब्बा पैक हमारे पास एक पड़ा हुआ ग्राफिक्स कार्ड, ठीक है, ठीक है ना, एक ये ग्राफिक्स कार्ड 125,000 का, वैसे डब्बा पैक आता नहीं है, सील्ड पैक ग्राफिक्स कार्ड है, ये सील पैक है, सील पैक ही आता ही नहीं है, किसी के पास नहीं आपको मिलेगा, ठीक है, कहीं पे भी नहीं इंशाल्लाह मिलेगा, ये MS कंप्यूटर भी आपको मिलेगा 1,25,000 रुपीज का आपको मिलेगा, डन हो गया, MS कंप्यूटर से बॉक्स पैक, डन हो गया, 2070 ये भी विद बॉक्स है, ये 70,000 रुपए का मिल जाएगा, ये भी तकरीबन 72,000 रुपए का, आपके व्यूअर्स के लिए 70,000 रुपए का मिलेगा, 70,000 का, ये भी ट्रिपल फैन के अंदर है, जिस तरह वो था ये वाला, यहाँ पे भी मैंने दिखाया था ये वाला ग्राफिक्स कार्ड, ठीक है, इस तरह ये भी ग्राफिक्स कार्ड है, ओके हो गया, ये इसी तरह 3090 ग्राफिक्स कार्ड है, 2,05,000 का विद बॉक्स है, 24 GB का ग्राफिक्स कार्ड है, जिन्होंने हाई एंड परफॉर्मेंस वाले काम करने होते हैं उनके लिए बहुत बेहतरीन कार्ड है, 3060 12 GB वाला ग्राफिक्स कार्ड डब्बा पैक है, 99,000 रुपीज का, ठीक है, 1 ईयर वारंटी के साथ होगा ये ग्राफिक्स कार्ड, ठीक है, इसी तरह RTX 4060 लेटेस्ट सीरीज के अंदर 1,02,000 रुपए बॉक्स पैक डब्बा 1 ईयर वारंटी के साथ वो भी मिलेगा, 4060 ठीक है, लेटेस्ट सीरीज में भी आते हैं, ठीक है, मैंने कहा जरा ये भी कवर कर लूं फिर इधर वापस आ जाते हैं, डन हो गया, डन हो गया, तो ये RTX 3080 है 1,38,000 रुपीज का, FTW से अल्ट्रा, इस वक्त ये ग्राफिक को 1,45,000 से नीचे नहीं मिल रहा, अच्छा, 1,45,000 1,44,000 से नीचे नहीं मिल रहा, तो 1,38,000 अगर कोई बिल्ड हमसे रेडी करवाता है ना और बेहतर बेहतरीन लेवल का डिस्काउंट देंगे, वो सरप्राइज डिस्काउंट होगा, यहाँ मेंशन नहीं करता, जबरदस्त जबरदस्त हो गया, सरप्राइज डिस्काउंट होगा भाई, वो यहाँ पे मेंशन नहीं होगा, ठीक है जी, जी मोहसिन, 3060 Ti के अंदर हमारे पास ये बॉक्स पैक पड़ा है 1,15,000 रुपए का बॉक्स पैक, 3060 Ti बॉक्स पैक नहीं आता हमारे पास, 3060 Ti भी बॉक्स पैक पड़ा हुआ है, ये स्टॉक पड़ा हुआ है, ठीक है जी, ओके. ये यूज के अंदर पड़ा हुआ है, ये मैं आपको 1,15 का बताया, ये यूज में ये 84,000 का विद बॉक्स मिलेगा, ये भी 10x10 एज गुड एज न्यू है, ठीक है, एज गुड एज न्यू है, डन डन, जैसे वहां पे अब मैं कंडीशन दिखाऊंगा, कोई जिसको चाहिए सेपरेटली हमसे रब्ता करके कंडीशन हम व्हाट्सएप पे मिल जाएगी, प्रॉपर शेयर कर देंगे इनको, ठीक है, बात नहीं, इसी तरह हमारे पास ये भी एक है, ये भी सेम प्राइस के अंदर मिल जाएगा जनाब, ठीक है जी, ये ड्यूअल फैन के अंदर RGB लाइट का बड़ा खूबसूरत ग्राफिक्स कार्ड, 3060 ये भी 3060 12 GB का, ठीक है, 84,000 में ये भी मिल जाएगा, 84,000 में, ये आप प्राइस और बेहतर हो जाएगा रेट, ठीक है, मिलेंगे और बेहतर होगा, वो भी सरप्राइज डिस्काउंट, मोहसिन भाई आज इस तरह आपने कार्ड का रेट दिया मैं तो परेशान हो गया यार, वो तो 5-6 हज़ार सारे का फर्क पड़ गया, यानी कि जी एक ग्राफिक्स कार्ड जो ना बहुत शॉर्ट है, ये वाला रेट है 1,25,000 का इस वक्त मार्केट में चल रहा है ग्राफिक्स कार्ड, 1,25,000 RS 6800 XT ग्राफिक्स कार्ड, 16 GB वाला ग्राफिक्स कार्ड है, 1,14,000 का जस्ट मिलेगा, ये मिलेगा, यस 1,14,000 रुपए का RS 6800 XT मार्केट में, नेट्रो प्लस स्पेशल एडिशन है ये, ठीक है, सॉरी मार्केट में बदल, ये मार्केट में 1,22,000 से लेकर 1,25,000 तक इसकी रिटेल चल रही है, ठीक है, RTX 3080 के इक्विवेलेंट है, किसी जगह उसको बीट भी करता है, 16 GB का ग्राफिक्स कार्ड और मार्केट में शॉर्ट है, देखिए मेरे पास भी एक ही पड़ा है, अच्छा आपके पास भी एक ही पड़ा है,
मिल ही नहीं रहा ना, है ही नहीं अवेलेबल ही नहीं, अल्लाह अल्लाह करके कोई एक आता तो फिर हमने छोड़ दे ग्राफिक्स कार्ड भाई। ठीक हो गया, साफ कंडीशन हो, 10x10 कंडीशन में इंशाल्लाह ग्राफिक्स कार्ड है। ओके हो गया, ओके। इसी दिन 3070 Ti है विद बॉक्स है, एम एडिशन है, ज़ोटेक का 10x10 कंडीशन है, 1,13,000 रुपए का विद बॉक्स है, 10x10 कंडीशन है, एम एडिशन है, ट्रिनिटी नहीं, एम एडिशन है, ट्रिपल फैन के अंदर ग्राफिक कार्ड है, जबरदस्त जबरदस्त हो गया। अब हम यहाँ खत्म करते हैं, वापस आते हैं इन पे, इन पे आ जाते हैं, इन पे वापस आ जाते हैं। ठीक है, ये भी हमारे पास 3070 Ti है ग्राफिक्स कार्ड, ठीक है जी, ठीक है। ये फिनिक्स एडिशन है, फॉर्म गेन वार्ड फिनिक्स एडिशन है, इसकी आरजीबी लाइट्स यहाँ पे चलती हैं, इसकी इर्द गिर्द देख सकते हैं अगर आप, यहाँ पे इसके अंदर और सिंक आती है, यहाँ पर फैंस के अंदर सिंक आती है, मतलब हर जगह से ना इन फोर कॉर्नर से सिंक आ रही होती है, आ रही होती है, बड़ी खूबसूरत, बहुत खूबसूरत लगती है जब चलता हुआ ग्राफिक्स कार्ड, वेरी ब्यूटीफुल लगता है जनाब। ओरिजिनल सेल लगी इसके साथ, ठीक है, 1,12,000 रुपए का ये भी मिलेगा और ट्रिपल फैन के अंदर, ये सेल लगा दी जी, सेल लगा दी, ठीक है। आज ग्राफिक कार्ड की जो है वो हाई बजट में की जो है हमने सेल लगाई हुई है, लेकिन इसका ग्राफिक्स कार्ड अगर बिल्ड में जाता है ना तो और बेहतर होगा रेट इंशाल्लाह। ठीक हो गया, कोशिश करें कि बिल्ड तैयार करवाएं। हाँ, बिल्ड तैयार करें तो उसमें पता क्या होता है सर जी, होता है कि 4-5-7 चीजें जब साथ जाती है ना तो हमारे लिए गुंजाइश निकल आती है कहीं ना कहीं से ना, रेट को नीचे करने की, फॉरवर्ड बेहतरी करने की, कस्टमर में थोड़ा सा कोऑपरेट करने की, हमें भी थोड़ी सी ना एक वो निकल आती है, ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो यहाँ पर सिर्फ 3070 Ti ये गेम रॉक का, ठीक है, इसके इसके ना एक चीज मार्केट में चल रही है ना, ये ना सील जो ना ब्रेक हुई है, आई डोंट नो वो रिपेस्टेड है या क्या सीन है। अच्छा। वो रिपेयर्ड है, कुछ भी उसका आइडिया नहीं है, ठीक है, लोगों के साथ भी मिल रहे हैं, वो तकरीबन बहुत कम रेट्स में दे रहे हैं। अच्छा। कम रेट्स में दे रहे हैं उसका मतलब ये है कि उसके अंदर कुछ है, कुछ है, कुछ है। हाँ। तो हम जो है ना ऐसा काम नहीं करते, ना ही हम कस्टमर को कहेंगे कि इस तरह का रिस्क ले, ठीक है, प्रॉपर जगह से परचेज करे जिसके अंदर प्रॉपर वारंटी भी हम दें उसको, ठीक है जनाब। 1,14,000 का ग्राफिक्स कार्ड, बहुत प्यारी कंडीशन, ठीक है ना, 1,15 का ग्राफिक्स कार्ड है, 1,14 का, बल्कि 1,13 में आपके कस्टमर को मिलेगा, और ये सारी ये पूरी आरजीबी है, मैंने ये देखा हुआ है, आरजीबी पूरी है, ये पूरी आरजीबी, खूबसूरत आरजीबी ग्राफिक्स कार्ड है, बहुत ही खूबसूरत लगेगा, डन हो गया, डन हो गया। थोड़ा सा आगे आते हैं सर, ठीक है जी, 3080 भी मैंने शो करा दिया था, इसके अलावा एक और 3080 हमारे पास पड़ा हुआ है, 3080 पहले मैंने आपको दिखाया था जी जी, वो 1,38 का था, ये 1,34,000 रुपए, मतलब 34,000 का तकरीबन, ये भी कोई 136-135 का, 134 का आपको आपके रेफरेंस से मिलेगा, बिल के अंदर थोड़ा सा और डिस्काउंट कर दिया जाएगा। इसका मॉडल है ईवीजे का RT XC3 Ultra, ये XC3 Ultra RT 3080 10x10 कंडीशन, ओरिजिनल सील, आप अगर मैं आपको सील इसके ऊपर उतार के दूं, कोई भी ग्राफिक्स कार्ड इंक्लूडिंग दिस ग्राफिक्स कार्ड, आप कहेंगे यार ये तो यूज भी कभी नहीं हुआ, इतना न्यू ग्राफिक्स कार्ड है, अल्लाह का शुक्र, हमारे जो जहाँ से हम परचेजिंग करते हैं लिमिटेड से लोग हैं, लेकिन बहुत साफ सुथरा काम है, बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे अल्लाह का शुक्र है। ठीक है जी, अब हमारे पास 3090 दो और यूनिट है, एक तो मैंने यहाँ पे दिखा दिया था 3090 2,05,000 का विद बॉक्स, ये जरा प्रीमियम एडिशन है, एमएससी गेमिंग एक्स, ठीक है, ये 2,20,000 में आपके, ये 2,25,000 से हम कम नहीं, 2,20,000 में आपको मिलेगा। यहाँ पे इसकी आरजीबी लाइट बड़ी खूबसूरत, ये बड़ी खूबसूरत एक लाइट, यहाँ भी आरजीबी लाइट्स वगैरह चलती हैं इसकी, बहुत ही खूबसूरत ओरिजिनल सील इसकी लगी है, 10x10 का 2,20,000 में मिलेगा जनाब, 2,20,000 का। और मार्केट में चल रहा है अपना मोहसिन भाई, 2,25 के राउंड पर चल रहा है इसका रेट, ठीक है, 2,25,000 का चल रहा है रेट, ठीक है जी। तो ये ग्राफिक कार्ड 24 GB का है, जो जिन लोगों का काम है ज्यादा, उनको वी रैम रिक्वायर्ड है, तो जनाब ये ग्राफिक गुड टू गो है। ये ईवीजे का FDW अल्ट्रा, ये स्पेशल एडिशन है, ये रेड वाला जरा डिफरेंट एडिशन है, यहाँ पे आरजीबी लाइट चलती है, ये भी 10x10 कंडीशन में है, ये 2,30 में भी लोग दे रहे हैं, ठीक है, हम लोग जनाब ये आपको आपके 2,24,000 का ग्राफिक कार्ड देंगे, 2,14,000 का, 24,000 का, 2,24,000 का, 224,000 का ग्राफिक कार्ड देंगे 10x10 कंडीशन में, ओरिजिनल सील इसकी, सील वाला इंशाल्लाह ताला आपको गारंटी होगी हमारी तरफ से, ठीक है जी, माशाल्लाह जी आपको वारंटी भी मिलेगी, और यहाँ पे ग्राफिक कार्ड आपको मदरबोर्ड्स और आरजीबी केसिंग्स, गेमिंग जो है गेमिंग के हवाले से आपको टोटल एक्सेसरीज एमएस कंप्यूटर पे जरूर मिलेगी। मोहसिन भाई की पूरी डिटेल अपनी वीडियो में ऐड करेंगे। मोहसिन भाई मैंने सुना आप यार एक्सेसरीज वगैरह भी कोई लेके आए हैं हमारे व्यूअर्स के लिए, लेकिन थोड़ा सा मैं ग्राफिक्स कार्ड एक दो और रह गए वो कर लूं। ठीक जी, करें जैसे ये 4060 Ti है। अच्छा जी, ये ग्राफिक्स कार्ड वो लोग कहते हैं मुझे लेटेस्ट ग्राफिक्स कार्ड चाहिए, ठीक है, कंडीशन होती है, दूसरी कंडीशन मुझे बॉक्स पैक चाहिए, दो कंडीशन होगी, तीसरी कंडीशन मुझे 16 GB तक VRAM रिक्वायर्ड है, ठीक है, पैसों में 4 कंडीशन होती है, पैसों में भी कम हो, ठीक है, ठीक है, ये सारी चीजें पूरी करता है ग्राफिक्स, ये वाला बहुत ही जबरदस्त ग्राफिक्स कार्ड है, ये शॉर्ट ही रहता है ग्राफिक्स कार्ड, ठीक है, ये ज़ोटेक का या किसी ब्रांड का भी हो जाए 4060 Ti, ये 16 GB वाला ग्राफिक्स कार्ड है, ये देखें, ये चेक कराएं क्लोज है, 16 GB वाला ग्राफिक्स कार्ड है, 1,49,000 तक का ग्राफिक्स कार्ड मिलेगा जनाब, ठीक है, बिल्ड में लगवा सकते हैं, बेहतरीन लेवल का ग्राफिक्स कार्ड है, जिसका बजट है 3 लाख रुपए की बिल्ड बनाना चाहता है जनाब, ये ग्राफिक्स दी बेस्ट ग्राफिक्स कार्ड है मेरे हिसाब से, बाकी आप जो समझते हैं आप देख सकते हैं, बाकी कस्टमर अपनी भी वर्किंग करता ही है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। अब 4070 Ti सुपर का ग्राफिक्स कार्ड जो कि 16 GB VRAM के अंदर आता है, ठीक है, ये 2,75,000 रुपए का डब्बा पैक,
अच्छा। और वो भी वारंटी के साथ है, बॉक्स पैक है, ये भी वारंटी में इंशाल्लाह ताला मिलेगा। बॉक्स पैक 275,000 माशाल्लाह, ये बहुत प्यारा कार्ड है। 16 GB वाला ग्राफिक्स कार्ड, ट्रिपल फैन के अंदर, जोटेक के अंदर है, ठीक है, जबरदस्त ग्राफिक्स कार्ड है, बहुत फेमस ग्राफिक्स कार्ड है। 16 GB और ये हमारे पास पीस पड़े हैं, सिर्फ एक पीस इंशाल्लाह मिल जाएंगे। अच्छा, कम आते हैं सर, थोड़े कम आते हैं, कम आते हैं, ठीक है जी। और ये ग्राफिक्स कार्ड 275,000 मिलेगा, ठीक है। और जिसका बजट है तकरीबन 3.5 से 4 लाख रुपए का बजट, 4 लाख रुपए का बजट है, 4.5 लाख, उसके लिए बहुत अच्छा ग्राफिक्स कार्ड है, बहुत अच्छा ग्राफिक्स कार्ड है। डन हो गया, डन हो गया। 4090 जो सबका बाप है इस वक्त ग्राफिक्स कार्ड का, अच्छा जी, उसके अंदर लोगों को न्यू नहीं मिलते जनाब, हमने यूज भी ग्राफिक्स कार्ड ले आए हैं जनाब। अच्छा, यूज भी मिल ले आए हैं। ये जनाब आपको मिलेगा 5,20,000 रुपए का विद बॉक्स, इसकी भी लोकल वारंटी पड़ी है। अच्छा सर, ये दिखाएं, 5,20,000 में लोकल वारंटी के साथ ग्राफिक्स कार्ड है। और ये कस्टमर जो था ना वो आउट ऑफ कंट्री चले गए, तो उनको जरूरत नहीं थी, ठीक है, कैसे लेके जाते हैं वो वहीं जाके अपना खरीदेंगे जो भी करेंगे, ठीक है, तो वो सेल कर गए 5,20,000 का, ठीक है। ये आपसे परचेज किया हुआ था इन्होंने जी? बस ऐसे ही है, कुछ सिनेरियो है कि इसी तरह कुछ सिनेरियो है, ठीक है। तो आरटीएस 4090 इसकी मार्केट में क्या मेरा रेंज हो गया ग्राफिक्स कार्ड, इन शॉर्ट। अच्छा, 4090 जो है ना ग्राफिक्स कार्ड 5,20,000 तक का ग्राफिक्स कार्ड जो है ना मिलेगा आपको, ठीक है। और मार्केट में मोहसिन भाई क्या रेट जा रहा है इसका? इसका रेट नहीं है। अच्छा, एक्चुअली क्योंकि ये महंगा है काफी, महंगा ग्राफिक रेट नहीं होने की वजह पता क्या बता रहा हूँ जी, जी। लोग कहते हैं कि यार यूज ग्राफिक कार्ड भी मिले 4090, यूज में पहली बात कोई नहीं परचेज करता, अगर यूज में परचेज करता है ना तो वो कहता है कोई वारंटी भी दो, कोई वारंटी भी है इसकी, वारंटी भी दी जा रही है, पेड भी कम दिया जा रहा है, पेड भी कम दिया जा रहा है, विद बॉक्स हो, विद बॉक्स भी दिया जा रहा है, सारा कुछ तो बीच में आ गया, सारा कुछ आ गया। अब मैं आपको न्यू की कीमत बताने लगूं, आपको वहीं से ज्यादा होगा, जहाँ 6,30,000 रुपए का, ना करें यार, ये 5,20,000 का, अच्छा 1,11,000 रुपए का फर्क है, डब्बा ये सिर्फ ब्रांड का, चले अब ब्रांड का 10,000 रुपए का फर्क लगा लें, अच्छा ओवरऑल, ठीक है, तो 1,00,000 रुपए का तकरीबन फर्क है, ठीक है। ये न्यू है, ये 6,30,000 रुपए का ग्राफिक्स कार्ड है, जबरदस्त हो गया। ये बिल्कुल डब्बा पैक है, ये डब्बा पैक है, ठीक है, ये भी डब्बा पैक है, बस ये 4090 यूज में था, आरटीएस 4000 सीरीज के अंदर। ये हमारी फैसल भाई हो गई, मोहसिन भाई हो गई, पूरी डिटेल होगी। और एक्सेसरीज की तरफ आते हैं जी, आप हमारे पास ना सर जी थोड़ी सी ना इसके इनोवेशन में लेके आऊंगा। लोग कहते हैं कि जिनका ना हमारे आपके व्यूअर्स हैं, आपके चैनल के ऐसे व्यूअर्स भी हैं जो कहते हैं जरा हाई एंड पीसी बनाए, बजट पीसी उनकी जरूरत ही पूरी कर सकता, ठीक है, जैसे वो 5,00,000, 6,00,000, 7,00,000 इस तरह के पीसी भी रेडी करवाते हैं जी जी। अगर वो इतना अच्छा पीसी रेडी करवाते हैं, वो 700 रुपए वाला कीबोर्ड नहीं लगाएंगे, बिल्कुल वो 4,000-4,500 वाला कीबोर्ड नहीं यूज करेंगे, माउस को 3,000-4,000, क्योंकि इनके ऊपर पूरी गेम डिपेंड कर रही होती है जी जी। अगर कोई थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो जाता ना मामला, तो जनाब वो उनकी गेम पूरी बढ़ जाती है, जाती प्रोग्राम उनका बढ़ जाता है, ठीक है, ठीक है ना। तो जनाब उसी सूरत में हाल में ना जनाब हमारे पास कुछ माउस वगैरह भी अवेलेबल है। अच्छा, हाई बजट में, हाई बजट वाले जो माउस है ना उनको बहुत लो बजट में ले आए हम। अच्छा जी सर, इस चीज के अंदर ना एक्सेसरी माशाल्लाह जी काफी पड़ी हुई है, यहीं से दिखा देता हूँ, ठीक है। लॉजिटेक का G502 माउस है, ठीक है, लॉजिटेक का 502 माउस है, ये तकरीबन 12,000 रुपए का माउस बिक रहा है, स्लाइटली सा यूज है, लेकिन ये ग्राफिक माउस आपको 8,500 रुपए का मिलेगा, 8,500 रुपए का। ये जो माउस है आयरन क्लॉ, ये न्यू माउस है, ठीक है, ये जस्ट सील ओपन है इसकी, यहाँ पीछे सील होती है, जस्ट सील ओपन है, ये तकरीबन 17,000-18,000-20,000 रुपए का माउस है, 11,500 रुपए का, आधी कीमत में चले समझे 50% ऑफ के ऊपर आपको मिलेगा, डन हो गया। ये भी कॉर्सर का माउस है, ये भी 16-17,000 का टायर प्रो वायरलेस, ठीक है जी, कटार प्रो वायरलेस है, ये भी बहुत अच्छे रेट में आपको इंशाल्लाह ताला मिलेगा, ये आपको सिर्फ 8,500 रुपए में मिलेगा, वायरलेस माउस है विद बैटरी, ठीक है, माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। फ्रंट के माउस है, ये जरा बजट माउस है, ये भी 5,500 रुपए का माउस है, ये चेक करें कितना खूबसूरत माउस है, जिसका वाइट बिल्ड बनाई हो सर जी, वो सर आरजीबी लाइट सर देखें इसकी खूबसूरत लाइट है, कितनी खूबसूरत लगी, मोहसिन भाई लोकल नहीं है, लोकल नहीं है इंशाल्लाह, लोकल नहीं है, लोकल कोई चक्कर नहीं यहाँ पे हमारे पास, जिन एक्सेसरीज है मैं थोड़ा सा नजदीक ये देखें, लॉजिटेक है, ये लॉजिटेक है, अच्छा रेजर है, ये वो ब्रांड्स हैं जिनके ऊपर लोग जाते हैं, मैं अब आपको इनकी एक्चुअल प्राइसेस बताऊंगा ना, तो आप हैरान परेशान हो जाएंगे भाई, हाउ इट इज पॉसिबल कि हम कैसे बेच रहे हैं। वाह जी वाह, जबरदस्त हेडफोन हेडफोन भी हैं, ठीक है जी, कुछ हेडफोन भी लेके आए हैं, और इसके अलावा और भी चीजें मालूम है, ग्राफिक कार्ड के साथ साथ आपको जो है गेमिंग एक्सेसरीज के बारे में भी जी, आज बताएंगे जी जी, बिल्कुल। ये माशाल्लाह जी बहुत प्यारे हैं, रेजर ब्रांड है सर जी, मैं आपको इसी कंडीशन आपको दिखा देता हूँ, एक ओपन करके, अच्छा एक ही कंडीशन दिखा देता हूँ, ठीक है, आपको पैकिंग से ही पता लग रहा है, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही, ये देखें जनाब, हा हा हा, कमाल कर दिए सर, ये तो बिल्कुल, ये देखें
ये तो मेकअप किट लग रही है, मेकअप किट लग रही है सर जी, स्पेशल एडिशन सर। आपको लग रहा है कि यूज है ये? बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। आपको लग रहा है यूज है? नहीं सर, ये तो बिल्कुल ब्रांड नहीं और कंपनी का है। जी जी, रेजर ब्रांड का है ये। रेजर ब्रांड्स हैं जो कि लोग चाहते हैं कि इसकी माउस की सॉरी हेडफोन की बात करें, हेडसेट इसको कहते हैं सॉरी, ठीक है, इसकी कीमत की ओरिजिनल बात करें, मुझे ना मुझे देख छोड़े आप जिसकी वेबसाइट पे जाके इसका रेट मल्टीप्लाई डॉलर से कर लें, ठीक है, अमेरिकन कंपनी है, ठीक है, या आप जाके किसी पाकिस्तान की लोकल जो स्टोर्स हैं, जी जी, बड़े मैं उनके नाम प्रोफेशनल रीजन की वजह से नाम नहीं लूंगा, नहीं, नहीं, आप खुद जाके वहाँ पे जाके इसका रेट चेक कर लें। जहाँ 30,000-35,000 से ऊपर है, ठीक है, 23,000 का सिर्फ सेल कर रहे हैं, आपके रेफरेंस से आएगा और स्पेशल डिस्काउंट दूंगा मैं। 23,000 का ये सेल हो रहा है मार्केट में? मार्केट में सेल है ही नहीं किसी के पास। अच्छा, किसी के पास सिर्फ एमएस कंप्यूटर में है, ठीक है, ये किसी के पास अवेलेबल इसका मोहसिन भाई, ये फाइनल फीस सेंटर में किसी को अवेलेबल नहीं है, ना हॉलीवुड में इंशाल्लाह ये चीज मिलेगी, ठीक है, ये कहीं पे भी नहीं मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ एमएस कंप्यूटर में मिलेगी। डन हो गया, ठीक है जी, सिर्फ और सिर्फ एमएस कंप्यूटर। और ये मोहसिन भाई फाइनल जनाब, ये इंशाल्लाह स्पेशल डिस्काउंट है, ये आपकी 23 आपके रेफरेंस से सिर्फ और सिर्फ 20,000। जबरदस्त, इसमें जो 35,000-36,000 की चीज है उससे भी कम है। ओके, उसके अलावा एक ये जरा ये वाला स्पेशल एडिशन था, ये स्पेशल एडिशन है, बस कलर का फर्क है, ठीक, अच्छा है? ये जनाब उससे भी 2,000 कम मिल जाएगा। क्या 18,000 रुपए में मिल जाएगा ये? 18 में मिल जाएगा, 18 में मिल जाएगा। और इसमें वारंटी शारंटी हमें कंपनी की मिलेगी? ये जस्ट बॉक्स ओपन है एक्चुअली। पता क्या, मैं बताता हूँ ये हमारे पास क्यों इतने अच्छे रेट्स हैं, जी जी, कुछ रीजन होनी चाहिए ना, जी जी, मैं आपको रीजन बताता हूँ। ये होते हैं नॉट फॉर सेल यूनिट होते हैं, ठीक है, कंपनीज की तरफ से जब वो स्टॉक को खत्म करते हैं, नया स्टॉक आने लगता है ना, तो पहले वाले स्टॉक को आउट करते हैं, ठीक है, ये हमारे पास किसी ना किसी तरीके से पहुंच जाते हैं। ये ब्रांडेड है? ये ब्रांडेड न्यू माउस है, ये न्यू है सारी चीजें, जस्ट उन्होंने ना अपने कस्टमर्स को ना दिखाने, जिस तरह मैंने आपको ओपन करके दिखाया ना, कस्टमर्स होते हैं ना उनको दिखाने के लिए कि यार ये साउंड है इस तरह के, तो बाहर के मुल्कों में वो दिखाते हैं, शो भी कराते हैं, कस्टमर टेस्ट भी कर सकता है उनके एक्सपीरियंस के लिए, ठीक है, तो ये वो है हमारे पास आते हैं, ये यूज नहीं होते, डन हो गए, डन हो गए, डन हो गए। ये भी है 12 QDAX, ये जिन्होंने कहते हैं यार अपने अच्छा एक वो लगाना है 4-in-1, ठीक है, यूएसबी टाइप सी है 12 QDAX, ये सिर्फ 20,000 रुपए का है, माशाल्लाह, ठीक है, इसकी भी कीमत बहुत ज्यादा है, बहुत हाई है, यहाँ तक कि ये 12 QDAX तो 45,000-45,000 का भी सेल होता है, अच्छा, ठीक है जी। तो ये जिन्होंने उसके ऊपर लगाना है माउस, अपना माउस कह रहा हूँ, अपने पबजी वगैरह गेम मोबाइल पे चलाना चाहते हैं तो मोबाइल पे भी कनेक्टिविटी है, प्ले स्टेशन के साथ भी कनेक्टिविटी है, कंप्यूटर के साथ भी कनेक्टिविटी है, सारों की सारी 4-in-1, ये बहुत से मल्टी प्लेटफॉर्म कनेक्टिविटी लिखा हुआ, ठीक है ना, मल्टी प्लेटफॉर्म कनेक्टिविटी है इसके साथ, okay, सारा okay. कोई लिखा हुआ इसके ऊपर, okay. पीसी प्ले स्टेशन स्विच, ठीक है, और सिर्फ एंड्रॉइड फोन के साथ भी कनेक्टिविटी है इसकी, डन हो गया मोहसिन भाई, डन हो गया। ये लॉजिटेक का ये 43,000 का सेल हो रहा है, अच्छा 43,000 ओरिजिनल, ये भी ओरिजिनल, यस, ये या सिर्फ फर्क क्या है कि उसकी ये देखिए ओपन सील है, ये सील ब्रेक हुई हुई है, ठीक है, बस सील ब्रेक होने के ना आधी कीमत हो गई है, मैंने सिर्फ और सिर्फ 23,000 में आपके रेफरेंस से आएगा उसको 22 का मिलेगा, 24 का बेच रहा हूँ यहाँ पे, 22 का आपके रेफरेंस से मिलेगा। ओके ओके, हो गया मोहसिन भाई। लोग हैं जो जरा स्पेशल चीज, आज हम हाई बजट ग्राफिक कार्ड बना रहे थे इसलिए हम सारी चीजें हाई हाई में दिखा रहे हैं, जा रहे हैं थोड़ा सा, ठीक है, हाई हाई को भी हमने बहुत लो कर दिया है, ठीक हो गया। ये कॉर्सर का K70 RGB ये काफी मेरे पास यूनिट आए थे, अल्लाह का शुक्र बहुत अच्छा सेल हुआ ये, ठीक है, बहुत अच्छा, हालांकि कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं ऐसे की, बिल्कुल, बिल्कुल, फिर भी कस्टमर आया उन्होंने कहा भाई यही चाहिए, ठीक है, ठीक है, आखिरी यूनिट, दिस इज लास्ट यूनिट लेफ्ट, ठीक है। ये कितने का जनाब? ये 15,000 रुपीज का मिलेगा, ठीक है, ये भी 48,000 तक का ये सेल होता है, सेल होता है, होता है ये, ठीक है, महंगा है, जस्ट सील ब्रेक होने की कीमत इतनी ज्यादा गिर गई, बस आप ये समझ लें, डन हो गए, डन हो गए। और भी किसी चीज में आपको हेल्प की जरूरत हो तो माशाल्लाह जी यहाँ पे आपको मदरबोर्ड्स की, ग्राफिक कार्ड्स की और कूलर्स की काफी रेंज नजर आएगी शॉप में। ये भी बोर्ड है जी मोहसिन भाई? की बोर्ड है, कुछ लोग कहते हैं यार आरजीबी लाइट मुझे पसंद नहीं है, अच्छा, प्रोफेशनल लोग होते हैं ना, जी जी, वो कहते हैं यार मुझे आरजीबी लाइट पसंद नहीं है, ठीक है, मैं नहीं चाहता कि, लेकिन मैं मैकेनिकल फिर भी कीबोर्ड चाहता हूँ, ठीक है, फिर वो कहते हैं यार मुझे यार 60% भी चाहिए, 65% कीबोर्ड चाहिए जिसके साइड में बटन ना हो, ठीक है, उनके पास थोड़ी सी स्पेस होती है, ठीक है, उस स्पेस को मैक्सिमम यूटिलाइज करना चाहते हैं, ठीक है, ठीक है, मैं 2-3 कीबोर्ड अच्छे वाले आपको दिखाता हूँ। कीबोर्ड्स की बारी आ गई है, ये कीबोर्ड सिर्फ 8,000 रुपीज का मिलेगा सर जी, 8,000 का जी सर, आप देखेंगे भाई खोल के दिखा रहे हैं हमें, साइड लाइक नेवर यूज, बहुत ज्यादा बहुत जबरदस्त बेहतरीन, और ये न्यू है, एवरीथिंग न्यू है जनाब, एवरीथिंग न्यू कीबोर्ड है ये, जबरदस्त बॉक्स ओपन है इसकी, मुझे छोड़ें सर, इसकी वेबसाइट पे जाएं, जो कंपनी बनाती है इसकी अपनी वेबसाइट पे जाके इसका रेट देखें, ठीक है, उसे मल्टीप्लाई करें, फिर हमारे पास आएं, अपनी वर्किंग करके हमारे पास आएं, 8,000 रुपीज में जस्ट आपको कीबोर्ड मिलेगा, 8,000 में डन हो गया, बहुत है। ये फुल, इसी तरह ये भी, ये फुल वाला है, ये 8500 का कीबोर्ड है, 8500 का, इसके अंदर MX चेरी ये स्विचेज हैं जो कि एक कॉर्सर बनाता है, ये स्विचेज होते हैं कीबोर्ड के अंदर जो स्विच टिक 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 करती है ना, जी जी, फास्ट एक्यूरेट लीनियर रिस्पांस, ये रेड स्विचेज के अंदर होता है, चेरी मैक्स रेड स्विचेज होते हैं, ये कॉर्सर बनाता है,
ठीक है, ये इसके अंदर लगे हुए हैं। डन डन हो गया माशाल्लाह जी। और दो चीजें बस रह गई, उसके बाद एंड करते हैं वीडियो को। दो चीजें रह गई जी आज। ये हमारा कीबोर्ड है G17, ये बड़ा, ये न्यू कीबोर्ड है सर जी, आप देखें बिल्कुल ब्रांड यहाँ तक, ये देखें इसके वो भी कवर तक नहीं उतरे सर। इसको कैसा है, बहुत कैसे स्मूथ, कितने बटन है। ये भी ब्रांडेड है, ब्रांडेड जनाब, डन हो गया। लॉजिटेक ब्रांड का है, लॉजिटेक ब्रांड का कीबोर्ड है। सिर्फ जनाब 32,000 का, 35,000 का बेच रहा हूँ, आपके रेफरेंस 30,000 में दूंगा बस, फाइनल 30,000। जबरदस्त जबरदस्त, यहाँ पे जो हमें ये 32,000 रेट चला रहे हैं मिनिमम भी। बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा। और ये सबका बाप अब कीबोर्ड आने वाला है जनाब, वो है ये वाला ये 57,000 का सेल हो रहा है। अच्छा। उसमें भी स्पेशल एडिशन है, मर्करी एडिशन है, ये G915TKL आप जाके सर्च कर सकते हैं जी, बिल्कुल सर्च करें। अभी ऑनलाइन स्टोर में भी देखें, सील ओपन हुई है कीबोर्ड, न्यू कीबोर्ड, सिर्फ और सिर्फ जनाब 33,000 रुपीज का, 57,000 का सेल हो रहा है। जबरदस्त हो गया, 57,000 रुपीज का सेल हो रहा है, हम 33,000। बहुत जबरदस्त चीज है, आप लोग परचेजिंग करें, प्रीमियम क्वालिटी है। यहाँ से नहीं, मौसम भाई ने खोल दिया हमारे लिए, ये ओपन कर रहा हूँ, आपको ओपन करके दिखा भी देता हूँ। ओके हो गया जी, मौसम भाई ने खोल दिया, और ये इस पे टेप लगी हुई थी ले जी, ये खुलने लगा, खुलने लगा, खुलने लगा, खुलने लगा, और खुल गया। ओए होए होए होए, इसको बट साहब आप छोड़े, सब आप इस दूसरे हाथ से ना इसको जरा बटन इसके दुमाएं। ये वायरलेस भी है, वायर्ड भी है, बहुत प्यारा वायरलेस एंड वायर्ड दोनों की कनेक्टिविटी है, बहुत प्यारा। और ये बहुत इसकी हाइपर, ये इसके जो है GL टेक्टिकल जो है ना, टेक्टाइल जो है ना, इसके स्विचेज है, बहुत नेक्स्ट लेवल है। और लाइट स्पीड इसकी रिस्पॉन्सनेस है, अच्छा, यानी कि बहुत नेक्स्ट लेवल चीज है, गेमिंग के अंदर नेक्स्ट लेवल चीज है। ये मोहसिन भाई, हमारा टोटल हो गया आज का एक्सेसरीज, और हो गया ग्राफिक कार्ड की डिटेल पूरी। मोहसिन भाई आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, वीडियो हमारी जो है वो बहुत लंबी हो गई है आज की, और इंशाल्लाह ताला जी हमारे व्यूअर्स आएंगे, आपने फुल टाइम डिस्काउंट देना है, अपना ख्याल रखिएगा। इन्फॉर्मेशन देने के लिए दिल से शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। जी लाले की जान, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो पसंद आए सब्सक्राइब चैनल को जरूर किया करें, वीडियो को लाइक भी किया करें, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।